और फाउंटेन देखिए आज कितना मस्त। दिमाग से ना चीजें निकल जाती हैं, बताना चाहती हूँ बट फाउंटेन देखिए आज कितना मस्त चल रहा है वहां पे। बाहर फ्रीजिंग कोल्ड है लेकिन धूप खिली है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कितने दिन बाद आज धूप निकली है, शिवरात्रि स्पेशल, भोलेनाथ ने अच्छा वेदर कर दिया है। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज है शिवरात्रि और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पापा के जाने के बाद ये पहला त्यौहार है और वो अजीब सी एक फीलिंग है। और हर घर के रीति रिवाज जो हैं वो अलग होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि साल भर तक जितने भी त्यौहार पड़ेंगे, जब तक पापा की बरसी नहीं होती है, तो हर त्यौहार जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाएगा। जैसे कि आज शिवरात्रि है तो मीठा भी बनेगा, कुछ पक्का भी बनेगा, तो आन नहीं पड़ती, इससे कोई टोक नहीं लगती है। तो किसी किसी के ऐसा होता है कि त्यौहार सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता है साल भर तक। तो वही है कि हर घर के रीति रिवाज अलग होते हैं। तो अभी जैसे कि होली भी आने वाली है तो मन किसी का नहीं करेगा, पर वही है कि आन ना पड़े इसलिए घर में वो पक्का खाना भी बनेगा, कि पूरी भी बनेगी, सब्जी भी बनेगी, हलवा भी बनेगा। और रंग वाली जो होली है उसमें एक दूसरे को सब टीका भी लगाएंगे। दिवाली आएगी तो दिए भी जलाए जाएंगे। तो वही है कि साल भर तक हर चीज़ जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से करनी है, तो आन नहीं पड़ती। आई डोंट नो कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं, बट वही है कि जिनके रिवाज हमारे जैसे होंगे तो समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो यस, आज है शिवरात्रि और फ्राइडे मेरा भी डे ऑफ है, कुछ ऐसा काम ही था। ईवी मैडम हमारी सो रही हैं फिलहाल। सुबह मैंने भोलेनाथ को फ्रूट्स का ही भोग लगाया है और दोपहर को मैं जो है वो रायता उनको देने वाली हूँ, जो फ्रूट वाला रायता होता है वो, और खाने का जो है वो शाम को ही बनाएंगे। अभी तक ऐसा सच कुछ डिसाइड नहीं किया है कि क्या शाम को बनाने वाली हूँ, डिपेंड करेगा। विकास भी बहुत बिजी चल रहे हैं आज पूरा दिन से ना, तो देखते हैं कि शाम को क्या बनता है। जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर कर ही दूंगी। वैसे तो आज का व्लॉग बट आई थॉट के बस बैठ के आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। जो कुछ भी करेंगे तो वो मैं शेयर कर ही दूंगी आपके साथ। और यस, ये जो आउटफिट मैंने पहना हुआ है ये भी ऑलमोस्ट एक महीना पहले मेरे PR पैकेज में आया था। अगेन दिखा नहीं पाई, आज सोचा कि चलो पहन लेती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा येलो कलर का है और बहुत टाइम के बाद ना मैंने ये कॉलर वाला गला पहना है, तो मुझे वो कॉलेज वाले दिनों की याद आ गई। कॉलेज में थी ना तो मैं हमेशा कॉलर वाली पहन के जाती थी, वो डीप नेक वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहनती थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, BSc तक ना मैं वही आरकंडी वाली चुन्नी ना ऐसे वी शेप में करके पहन के जाती थी BSc तक। आजकल तो 9th-10th की लड़कियां भी ना पहने उस चीज़ को। वैसे हमारी BSc में यूनिफॉर्म भी थी बट और लड़कियां थी वो जॉर्जेट वाला दुपट्टा लेकर आती थी, जॉर्जेट, फिर आपको ये जॉर्जेट नहीं होता, थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो यस, वो जॉर्जेट वाला दुपट्टा भी लेकर आती थी बट आई वॉज कम्फर्टेबल इन दैट आरकंडी दुपट्टा और उसमें कलफ लगा के आयन करके प्रॉपर बिल्कुल इतनी चौड़ी उसकी पट्टी होती थी और ऐसे वी शेप में यहाँ पिन यहाँ पिन यहाँ पिन लगा के तब मैं जाया करती थी। तो BSc तक हम ऐसे रहे। तो
तो इवन दो एमएससी में भी मेरे जितने भी शलवार कमीज थे तब यूनिफॉर्म नहीं थी, मुजफ्फरनगर जाते थे बट तब भी मोस्टली जो है वो मैं जितने भी मेरे सूट थे वो सब कॉलर वाले ही थे। तो जब भी आज पहना ना सुबह तो वही पुरानी बातें जो हैं वो याद आ गई। बहुत ही प्रिटी सा ये आउटफिट है, सिल्क में है ये और दुपट्टा भी है इसके साथ जो ऑब्वियसली मैंने नहीं लिया सुबह, बस पूजा के टाइम पे ही सर पे रखा था, उसके बाद नहीं पहना। पूरा मैं लुक दिखाऊंगी आपको। अच्छा कहाँ से आया ये तो मैंने बताया नहीं। आजकल यही होता है कि दिमाग से ना चीज़ें निकल जाती हैं, बताना चाहती हूँ बट वो इधर उधर गुम हो जाता है। तो ऑलमोस्ट एक महीना पहले ये आया था, फ्लोरल ब्लूज करके एक इंस्टाग्राम पेज है, वेबसाइट भी है वैसे उनकी, यूके बेस्ड है ये। और यू नो ये छोटे छोटे से बिजनेसेस हैं जो घर से शुरू हुए हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट जो लेडीज़ इतनी मेहनत करती हैं और घर से कुछ करने का सोचती हैं, अपनी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाती हैं, साथ ही अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हैं। एंड आई ऑलवेज एनकरेज एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प इन एनी वे। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ही कांटेक्ट किया था, वो मेरी व्यूअर भी हैं, वीडियोस देखती हैं मेरी, शी नोज एवरीथिंग। वो बच्चों के बारे में पूछती हैं, अभी जैसे पापा का हुआ है उसके बाद भी उनका मेरे पास कई बार मैसेज आया ना, थैंक यू सो मच, सो नाइस ह्यूमन बीइंग। तो उन्हीं का ही ये एक क्लोथिंग ब्रांड है, बहुत ब्यूटीफुल इनके पास सारे आउटफिट हैं और ज्वेलरी भी है इनके पास, साड़ी भी है। यूके में जो इनकी शिपिंग है वो फ्री है, एक्सप्रेस अगर आपको शिपिंग चाहिए तो आई थिंक कुछ मिनिमल चार्जेस हैं, कुछ 3 pound या 4 pound समथिंग लाइक दैट, उससे आपको नेक्स्ट डे भी डिलीवरी मिल जाएगी इनकेस आपको इमरजेंसी में कुछ चाहिए। तो यू नो यूके में कई बार ऐसा होता है ना कि आप इंडिया से ऑर्डर करना नहीं चाहते क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता ही है, तो आपको लोकल कुछ चाहिए होता है कि कुछ लोकल मिल जाए। और कंपैरेटिवली अगर प्राइस देखें जो यूके के और भी ब्रांड है तो इनके जो रेंज है वो अफोर्डेबल है, हाई रेंज के भी आपको लाइक हैवी भी मिल जाएंगे, डेली वेयर टाइप भी मिल जाएंगे। तो मैं इनकी वेबसाइट का लिंक और इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और आप यूके में हैं, यूके के अंदर 4 countries आती हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, तो अगर आप इनमें से हैं तो आप चेकआउट कर लेना और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये वीडियो जाने में लेट हो गई, अदरवाइज इनका डिस्काउंट भी चला था, वुमेंस डे पे भी इनका जो है वो आज 8th of March जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, तो उसकी भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो उसका भी इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था बट आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो जो है वो 2 दिन बाद जाएगी, लाइक आज फ्राइडे तो ये संडे को जाएगी वीडियो, बट आई थिंक तब तक वो डिस्काउंट चला जाएगा। बट वट एवर, आप उनसे जो है वो इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं भी पर्सनली उनसे एक बार पूछ लूंगी, अभी सुबह मैंने मैसेज भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस मैं ऐसे ही रैंडमली मैंने सोचा कि चलो यही सूट पहन लेती हूँ और फिर वही मैं चलो आपको दिखा भी दूंगी। एक और आउटफिट उन्होंने मुझे भेजा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो भी, वो अनारकली स्टाइल है। बस शुरुआत में ही वो फोटो में ही देखा था, आया रखा था, अब तक खोल के भी नहीं देखा, तो वो भी मैं आज आपको दिखा दूंगी। इसका भी लुक दिखा देती हूँ कंप्लीट, और पूरा ये पैंट के साथ है, दुपट्टा वगैरह लगा के सब मैं दिखाऊंगी। दूसरा आउटफिट भी मैं ऊपर से उठा के ले आई हूँ, सॉरी आवाज आएगी इसकी, और ये कॉटन में है। अच्छा ये वाला जो है ना, इसका कुर्ता तो है सिल्क में, अस्तर लगा हुआ है इसमें, और जो इसकी बॉटम है वो कॉटन में है, मैं पहले बताना भूल गई थी। अरे दूसरा आउटफिट बहुत ही प्रिटी है ये तो है दुपट्टा, इसका टैसल लगे हुए हैं इसमें, अभी ये भी मैं आपको ट्राई करके दिखा दूंगी। ये बॉटम है इसकी और वही पैंट स्टाइल है, और ऊपर जो है ये इलास्टिक है, दोनों तरफ कॉटन में ही है ये, और आई थिंक इसमें पॉकेट है, यस इसके अंदर जो है वो पॉकेट है। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ना, यू नो हर चीज़ में, दो साड़ी में भी कुछ इस तरह की स्टिचिंग होने लगी है कि आपको पॉकेट मिल जाती है, तो एक इसमें पॉकेट भी है। और ये है सूट, यू नो जो क्रीम कलर होता है ऑफ वाइट, ये वो है, वाइट नहीं है पूरा, और बहुत ही प्रिटी है, माय गॉड लुक एट द एम्ब्रॉयडरी,
कितनी सुंदर है एम्ब्रॉयडरी, मुझे इसकी भी बहुत पसंद आई। रियल मिरर लगे हुए हैं इसमें, वो प्लास्टिक वाले नहीं है जैसे कुछ कुछ में आ जाते हैं ना प्लास्टिक वाले, वो नहीं है, रियल मिरर है। और अगर आप में से किसी ने दबके वाली कढ़ाई करी है ना कभी पहले, मैंने बहुत करी है, मैंने अपना सूट तैयार किया था तो वो दबका लगा हुआ है मिरर के चारों तरफ, और ये वाली जो है ये धागे की, रेशम के धागे की कढ़ाई है। तो कढ़ाई मुझे इसकी बहुत पसंद आई, फिनिशिंग वाली है और इसकी भी ऐसी है। इसमें ना यू नो सेल्फ में भी है, ये जरी का काम भी है और बहुत ही प्रिटी है। यहाँ पे ये गोटा पट्टी भी लगी हुई है, सो आई लाइक दिस वन, वाओ ब्यूटीफुल। तो मैं अभी इसको भी पहन के आती हूँ तब आपको प्रॉपर इसका लुक देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं इन दोनों के लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज वो पूरा चेक करके, बट आई एम श्योर कि लिंक है मेरे पास इसका, तो मैं लिंक दे दूंगी। बाकी अभी मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ, वैसे इधर की तरफ मैं डाल दूंगी, आपको दिख ही जाएगा। वाओ, इट इज सो ग्रेसफुल, वाकई में ये बहुत सुंदर है। दुपट्टे के अंदर ना और भी कढ़ाई है, यू नो वैसे तो लग ही रहा था ये अच्छा, पहनने के बाद मुझे और भी ब्यूटीफुल लगा, ये बहुत ही प्रिटी है। और ना ऐसे दिखाऊं, जो अनारकली है ना ये, उसमें नीचे भी ये टैसल लगे हुए हैं, कॉटन के हैं। लाइक इट, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ढीला है यहाँ से मेरे को, बट जब मैं साइज यू नो सेलेक्ट कर रही थी ना तो वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था, मतलब मुझे यही था कि टाइट नहीं होना चाहिए, तो मैंने उनसे कहा था कि आप बड़ा साइज भेज दो, क्योंकि बड़े को तो कम करने का इलाज है, छोटे को बड़ा करने का इलाज नहीं है। तो यस, परफेक्टली फाइन, थोड़ा सा एक इंच का वैसे इतना ढीला चलेगा, मुझे पसंद आते हैं इस तरह के। तो यस, दिस वन इज सो ब्यूटीफुल, वर्टिकल लेके साइड में डाल दो। और ईवी मैडम यहाँ पे हमारी उठ चुकी है, और उठने के बाद नंबर वाइज सबको कडल करने का काम चल रहा है। अदवी आज स्कूल से लेट आई थी क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी, उसका राइटिंग क्लब था। आने के बाद हल्का सा वो सर में दर्द बता रही थी, तो उसको खाना खिला के थोड़ी सी दवाई दे दी थी, तो वो आराम करने चली गई थी। उसके बाद फिर उसकी चेस क्लास होती है, तो उसका आज का दिन काफ़ी बिजी गया है। फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में शाम के भोग की तैयारी करने के लिए। बहुत ही सिंपल सी आज की मैं थाली बनाने वाली हूँ, बहुत ईजी रेसिपी है जो आप किसी भी स्पेशल मौके पर या ऐसे भी कभी कुछ खाने का मन कर जाए तो आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। उसी के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ। विकास यहाँ पे संध्या बाती की तैयारी कर रहे हैं। पिछले वीडियो पे कमेंट आया था, अभी मैं प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने वो कमेंट देखा था, उसमें पूछा गया था कि आपके यहाँ सर नहीं मुनवाया जाता है क्या अगर घर में कुछ ऐसा हो जाए। तो नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है कि सर मुनवाया जाता है। पर हाँ मैंने बहुत से लोगों के यहाँ पे देखा है, मेरी एक दो फ्रेंड है जो बिहार से हैं, उनकी जो फैमिली में ऐसा कुछ हुआ तो उनके यहाँ पर मुंडन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यस, आई थिंक उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वही है ना कि हर घर के रीति रिवाज, हर इलाके के रीति रिवाज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अभी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और साथ ही मखाने लिए हैं। इनको जो है यहाँ पे हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो इनको बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, और अगर घर में बड़े बूढ़े हैं जो ना खा पाए तो आप चाहें तो इनका बिल्कुल चूरा भी बना सकते हैं ताकि बड़े भी इसको इंजॉय कर पाए। तो आप अपने हिसाब से इनको कूट लें या काट लें या जैसा भी आपको करना है। बेसिकली हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट की खीर बनाने वाले हैं, और बिल्कुल एक चम्मच ही घी में हम इसको बनाएंगे। तो एक टेबल स्पून मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। ट्रेडिशनली तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट जो हैं उनको घी में फ्राई किया जाता है, उसके बाद फिर उनको कूटा जाता है और फिर घी में काफ़ी देर तक बॉयल किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे बस एक ही टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे, ये काजू बादाम और मखाने, इनको मैंने एक साथ ही डाल दिया है, और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। काइंड ऑफ हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको बिल्कुल बिना घी के भी बना सकते हैं, इसको आप ड्राई रोस्ट कर लें, लेकिन वही है कि अगर थोड़ा सा घी ऐड करते हैं ना तो ये हल्के से मॉइस्ट भी हो जाते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट तो एनहेंस होता ही है। अगेन, अगर आपको बहुत रिच बनानी है तो आप इनको अलग अलग घी में फ्राई करके और फिर इनको कूट लें।
तो 3 से 4 मिनट ही लगते हैं इनको भुनने में, और जो बादाम है वो सबसे पहले भुन जाते हैं, आपको खुशबू आने लगेगी। इसके बाद आप इसके अंदर दूध ऐड कर दें, कोई भी नपे तुले पैमाने नहीं है, आप अंदाजे से ही डाल दें। मैंने अंदाजे से ही डाला है, कुछ 2 कप के करीब होगा। और अब हम इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम जो है इस पॉइंट पे आप मीडियम कर दें, और बीच बीच में इसको आप चलाते रहें, लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि ये तली में लग जाती है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं, इससे रंग भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे मैं चला रही हूँ, साथ साथ मैं कुट्टू की पकौड़ियाँ बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैं आलू वगैरह जो है वो पील करना, कट करना, वो साइड बाय करती ही जा रही हूँ काम, आगे आप देखेंगे ही। तो यहाँ पे खीर जो है इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। अब फ्लेम को हम बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसको 4-5 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये थोड़ी सी थिक हो गई है, मिल्क जो है वो इवेपोरेट सा हो जाता है, तब आप इसके अंदर मीठा ऐड कर दें। मेरे पास ब्राउन शुगर थी तो मैंने ब्राउन शुगर ही ऐड करी है, 4 टीस्पून मैंने डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मीठा डालने के बाद फिर सिम फ्लेम पे हम इसको 3-4 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा रिच फ्लेवर लाने के लिए मैंने क्रीम ऐड करी है, ये डबल क्रीम है और लगभग 1/4 कप के करीब होगी, ये बिल्कुल छोटे वाला ही कंटेनर था। इंडिया में तो भैंस का दूध मिलता है तो खीर पकते पकते खुद ही बहुत थिक हो जाती है, यहाँ पे गाय का होता है वैसे भी प्रोसेस्ड होता है तो ऐसा जो उसमें फैट होता नहीं है, तो थोड़ा सा रिच टेक्सचर देने के लिए क्रीम ऐड कर देती हूँ मैं। तो क्रीम डाल के मैंने इसको 2-1 मिनट पकाया है और बिल्कुल फाइनली अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करा है। और जो खीर है यहाँ पे जब हम इसको चमचे से गिरा के देखेंगे ना, तो ड्राई फ्रूट और दूध दोनों साथ साथ गिरेंगे, यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ खीर हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। और इस पॉइंट पे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो आपको, अगर ये लग रहा हो कि ये तो पतली है, तब आप इसको थोड़ी देर रखेंगे ना, ये हल्की सी ठंडी होगी तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगी। और बासुंदी अगर आपने खाई है ना, वो तो प्लेन होती है, बट हाँ कुछ कुछ ये वही वाला टेस्ट रखती है, लेकिन बीच बीच में जो है ना वो ड्राई फ्रूट का क्रंच आता है। बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। तो मीठा हमारा तैयार हो गया है, और यहाँ पे है मैंने 4 बिग साइज की ये पोटेटोज लिए थे और उनको मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुट्टू का आटा, बकवीट फ्लार कहते हैं, यहाँ पे ये इंडियन शॉप पे भी मिल जाता है और हॉलन एंड बैरेट पे भी मिल जाता है। फास्ट के टाइम पे जो है यही वाला आटा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, या फिर अमरनाथ जो चुलाई का आटा आता है जो फास्ट में खाए जाते हैं। मैं मोस्टली जब भी इंडिया जाती हूँ तो मैं इंडिया से ले आती हूँ और हमारा आराम से काम चल ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा ऐड करा है, हिसाब से ही डाला है, बस अंदाजे से ही। उसके बाद फिर मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, साथ ही मैंने सूखा धनिया इसमें ऐड करा है। धनिया पत्ती बहुत सारी आ गई थी तो जैसे मैं पुदीना ड्राई करके रखती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार मैंने धनिया ड्राई करके रख लिया था, और ये अब मैं रेसिपीज में ऐड कर देती हूँ तो फ्लेवर भी आ जाता है, और जैसे कि मेरे घर के 2 लोग हैं जिनको धनिया पसंद नहीं है तो वो भी खा लेते हैं। इसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च ऐड करी है और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मिक्स करना शुरू करूंगी और पानी का छींटा देती जाऊंगी। बिल्कुल हमें इसका पेस्ट जो है ना वो थिक सा ही रखना है, इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना है। अच्छा, बाकी चीज़ें आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्चें डाल लें, हरा धनिया आप इसमें ऐड कर लें, और आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी जुकीनी भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, मैं कभी कभी कर लेती हूँ, बट आज मैं प्योर आलू वाली ही बना रही हूँ। तो इस तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है और थिक सी कोटिंग जो है वो आलूओं के ऊपर हो गई है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख छोड़ेंगे, इससे ये आलू जो है ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे और जो कोटिंग है ना वो इवन हो जाएगी, और नमक की वजह से ये थोड़ी सी ढीली भी पड़ेगी। पकौड़ियों के साथ मैं खीरे का रायता बनाने वाली हूँ, तो स्किन के साथ ही मैंने खीरा जो है वो ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से। बहुत ही अच्छा ये बनता है और पकौड़ियों के साथ अच्छा लगता है। आप चाहे तो प्लेन दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं,
और हरे धनिए की चटनी मैंने दिन में बना ली थी, जिसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, तो वो मैंने इस वीडियो में फिर ऐड नहीं करी है। और बस इसके बाद जो है वो मैंने इसमें दही ऐड कर दी है, घर की जमी हुई दही है ये, और लगभग 1-1.5 कप के करीब मैंने डाली होगी। पानी वगैरह जो है वो भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खीरे से खुद भी काफ़ी सारा पानी निकला ही है। भुना हुआ जीरा मैंने ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने नमक शामिल कर दिया है, और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी हमारी ये डिप तैयार होती है। और जो कुट्टू का आटा होता है ना, वो तासीर में थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसके साथ दही वगैरह आप लेते हैं तो वो मील जो है वो आपका बैलेंस हो जाता है। वैसे भी ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो खाई नहीं जाती हैं, किसी तीज त्यौहार या फास्टिंग के टाइम पर ही ये बनती हैं। और मेरे घर में होता है कि जिस दिन विकास का फास्ट होता है, बिकॉज ही लव्स कुट्टू की पकौड़ी, तो मोस्टली ये होता है कि नवरात्रि का भी वो दिन जब उनका फास्ट होता है, तो मैं कुट्टू की पकौड़ी शाम को बना लेती हूँ। और मेरे घर में सबको ही पसंद है, तो मुझे कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ता। जैसे कि बच्चे हैं, अदवी का भी फास्ट नहीं था और ईवी तो घर छोटी है ही, तो ये वो दोनों भी खा लेती है, तो फिर मुझे अलग से कुछ भी नहीं बनाना पड़ता है, तो सबका एक साथ ही काम हो जाता है। और बस यहाँ पे मैंने अपनी ये लोहे वाली कढ़ाई चढ़ाई है। पहले मेरे पास दूसरी एक और कढ़ाई थी, है अभी भी, उसको ऐसा नहीं कि मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ, बट उसमें तेल बहुत ज़्यादा डालना पड़ता था, क्योंकि उसकी तली बिल्कुल ही फ्लैट थी, वो पहला पैन है एक्चुअली। तो मैंने अब इसको फ्राइंग के लिए यूज़ करना शुरू किया है, तो बहुत ही कम ऑयल डाला जाता है और उसमें बहुत ही अच्छे से फ्राइंग हो जाती है। तो बस कुट्टू की पकौड़ी मैंने हाथ से थोड़ी थोड़ी करके डाल दी हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको अच्छे से सेक लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जो आलू है ना, वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा होगा। और एक बैच को सेकने में 7 से 8 मिनट आराम से लग ही जाते हैं। और जितनी पकौड़ियों का बैटर या फिर बोले मिक्स मैंने तैयार किया था, उससे 3 बैचेस में पकौड़ियाँ तैयार हुई थी। अब चलिए मंदिर के लिए यहाँ पे थाली लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने खीर सर्व करी है भोलेनाथ के लिए, उसके बाद मैंने रायता यहाँ पे लगा दिया है, और उसके बाद अब मैं पकौड़ियाँ रख दूंगी। और पकौड़ियाँ मैं बनाने ही लग रही थी, तभी मेरी फ्रेंड आकांक्षा अपनी फैमिली के साथ आ गई थी, तो उन लोगों ने भी इंजॉय किया। मुझे लग ही रहा था कि जैसे मैंने आज कुछ ज़्यादा ही आलू काट लिए हैं, बट देखो वो लोग आ गए और सबने बहुत अच्छे से खाया। और उसके बाद फिर मैं और कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई, पहले सोचा था कि शाम की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ आपके साथ एक नाइट रूटीन शेयर करूंगी, बट हो नहीं पाया। यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।